हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले कि अगर आपने 12th साइंस से पास आउट किया है तो आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शन है आगे के लिए चूज करने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। मैंने तीन कैटेगरी चूज की हुई है। यहाँ पे PCMB ग्रुप है, उसके बाद PCB ग्रुप और उसके बाद PCM ग्रुप। तो इस ग्रुप के अनुसार आपको मैं अलग अलग ऑप्शन बताऊंगा, तो आप देख सकते हो कि उनमें से आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं PCMB ग्रुप है उनके लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले BTEC जो इंजीनियरिंग कोर्स है वो है, उसके बाद फार्मेसी भी आप कर सकते हो, उसके बाद BSc कौन से भी स्ट्रीम में आप कर सकते हो। तो ये हुआ PCMB ग्रुप के लिए। उसके बाद देखते हैं कि जो PCB ग्रुप होता है तो उसके लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले MBBS है जो डॉक्टर के लिए होता है वो MBBS, उसके बाद BSc नर्सिंग होता है, उसके बाद BAMS, ये कोर्सेस अवेलेबल है जो PCB ग्रुप वाले कर सकते हो। उसके बाद है PCM ग्रुप, अगर आपका था 12th में तो आप कौन कौन से कर सकते हो। सबसे पहले BBTEC जो इंजीनियरिंग कोर्सेस होते हैं वो कर सकते हो, उसके बाद BSc कर सकते हो किसी भी स्ट्रीम में, या BCS जिसे हम बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं वो भी आप कर सकते हो, या फिर अगर आपने PCM ग्रुप लिया था 12th में तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी कर सकते हो। डिप्लोमा के लिए डायरेक्ट सेकंड ईयर के लिए जा सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस थे अगर आपने 12th साइंस से पास आउट की है तो।